आज जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं वह न केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय है सुरक्षा उपाय। हमारी जिम्मेदारी न केवल बच्चे को इस दुनिया में लाना है, बल्कि उसका पूरी तरह से पालन पोषण कर उसे सुदृढ़ बनाना है। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई चोट हो या किसी तरह की बीमारी हो या शारीरिक और मानसिक रूप से उसमें कोई व्यंग्यत्व आए। अनजाने में, अनचाहे अगर कोई चीज छूट जाती है, लापरवाही से कोई चीज जिसके कारण से बच्चे को चोट पहुंच सकती है, उसके शरीर को कोई नुकसान हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आज इन्हीं उपायों पर चर्चा हेतु आज हमारे साथ सब विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर जैन जी, हम विषय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज की जिन सुरक्षा उपायों की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? बच्चों के सामाजिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को ध्यान में रखते हुए जो मेजर्स लिए जाते हैं वो सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी कहलाते हैं। और उसके दो क्षेत्र हैं, एक है हेल्थ प्रमोशन, जिसमें न्यूट्रिशन यानी कि खान पान, इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण और हाइजीन यानी कि स्वच्छता, ये आती है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इंजुरीज एंड एक्सीडेंट। डॉक्टर संजय जी, अब जिस तरह से अगर हम सुरक्षा उपाय हैं कि जैसे डॉक्टर जैन जी बताते कि प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी की हमने उसे चोट से बचाव करना है, तो ये सब जो सुरक्षा उपाय है ये सभी उम्र में एक तरीके लागू होते हैं, उम्र के हिसाब से बदलते जाते हैं। डॉक्टर सतीश जी, देखो सेफ्टी जो है ये उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न हैं या जो 5 से 10 साल के बीच में, उनके लिए सेफ्टी मेजर्स अपने अलग रहेंगे। बट जो एडोलसेंट है, जो 10 साल से 15 साल के बीच में है, उनके लिए अपना सेफ्टी क्राइटेरिया अलग रहेगा। इसलिए उम्र के हिसाब से सेफ्टी मेजर्स अपने को अलग अलग रखने पड़ेंगे और वो घर से चालू होके बाहर तक चलते जाएगी आपके। इससे तो ग्रामीण और जो ग्रामीण और रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया में भी बहुत सारे इश्यूज है, तो दोनों को अपने को दोनों मायने में अलग रखना पड़ेगा और उनको उसके हिसाब से अपने को अवेयरनेस या उनको अपने को अनुगमन करना पड़ेगा उनके बारे में। तो मित्रों, जैसा कि हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हमारा जो बाल मनोविज्ञान है ये उम्र के हिसाब से बदलता जाता है, कि जहाँ जो नवजात शिशु पूरी तरह से अपनी माँ पर या परिवार के लोगों पर निर्भर है, उसके जो सुरक्षा उपाय होंगे वो अलग होंगे, और जो अपने पैरों पर जिसने भी चलना शुरू किया 1 से 3 साल का बच्चा उसके, और जो किशोरावस्था का बच्चा है जो पूरी तरह से बाइक चला रहा है या कॉलेज में जा रहा है, उनके जो सुरक्षा उपाय अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह से सुरक्षा उपाय भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं कि जो ग्रामीण शहर और शहरी भाग है इसमें भी अलग अलग हो सकते हैं।